पीथमपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटों में पर्दाफाश कर दिया है। बुधवार की दरमियानी रात में पीथमपुर के अप्रैल पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित बंद पड़ी मिशन फार्मा दवाई कंपनी में लगे एडवर्नता सिक्योरिटी एजेंसी के सुरक्षाकर्मी द्वारा चोरी की नीयत से घुसे दो युवकों को लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में महज 24 घंटे में पुलिस ने सुलझा लिया है। एडवांटा सिक्योरिटी एजेंसी के 6 सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया है और वहीं सुरक्षाकर्मियों द्वारा मृतकों के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर जब कल जो 24 घंटे में आपने अपराधियों का जो खुलासा किया है, क्या कहेंगे सर? कि 28, 29 और 30 की दरमियानी रात मिशन फार्मा जो बंद कंपनी है उसमें सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। 8 आदमी इसमें रात में घुसे थे। कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड है इन्होंने दौड़ाया था तो 6 आदमी भाग गए थे। 2 आदमी को उन्होंने पकड़ लिया था और दोनों आदमी के साथ मारपीट की थी, जिसमें रोशन और अतुल नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग पंजीबद्ध करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये 5 आरोपी हैं ऋषि, अभिषेक, हरविजय, हरिशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बाल अपचारी है जिसे बाल न्यायालय में पेश किया गया है। इन 4 अपराधियों का पुलिस रिमांड लिया गया है और विस्तृत विवेचना के पार्ट में पूछताछ की जा रही है। सर किन किन धाराओं में इन पर अपराध कर 302, 201 और SSPI है, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया। सर ये बाल अपराधी जो है ये भी क्या गार्ड की नौकरी कर रहे थे कि वहाँ क्या कर रहा था? इसकी तस्दीक की जा रही है। यदि वो बाल अपचारी यदि गार्ड की नौकरी कर रहा था तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ यहाँ से लिखा जाएगा और उसके लाइसेंस निरस्त कराए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।